सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं मारुति सुजुकी इको 5 सीटर लेने। कुछ हमारा प्लान है जो कि हम आगे चल के बताएंगे आपको। तो चलो फटाफट चलते हैं, आपको दिखाते हैं शोरूम और लेते हैं अपनी गाड़ी। आज दिवाली है तो सभी के लिए हैप्पी दीपावली। सेवा भाई, कुछ कहना चाहोगे? बस तो चलो भाई चलते हैं अपन। आज हमारा शोरूम मारुति सुजुकी का। देन इधर क्यों हमारे रुपेश अंकित? भाई हैं, हमारे अंकित भाई, ये मेरा सग्गा भाई है छोटा, और ये मेरे मौसी के लड़के हैं। हेलो मोहित भाई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। तो ये हमें भी रुपेश मिलवाओ भाई यार। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी एमटी रखे हैं, अपनी तो नहीं है, किसी दोस्त की मांग के लाए हैं। रुपेश भाई मांग के नहीं लाए भैया, खरीद के लाए, आज ही उठाइए शोरूम से। मांग के लाया भाई रुपेश, तो चलो भाई बढ़िया है। तो गाइस, बहुत खुशी का माहौल है आज, और आप सभी को नई दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग अपनी दीपावली अच्छे से मनाओ भाई, हर जगह भगवा रंग लगा हुआ है। ये देखो किसी भी छत में देख लो, सब जगह लगाए हुए भाई आज झंडे, भोपाल में तो खासकर। तो गाइस, ये रही हमारी फाइनली इको 5 सीटर, और ये हमारे मित्र सहपाठी, और ये हमारा सामान रखा हुआ, ये हमारा सामान है जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, अपने ही है। और आज हमारी गाड़ी उठ चुकी है, अभी उसकी पूरी तैयारी चल रही है, और आज देखते हैं क्या माहौल होता है। फ्रेंड्स चलो आपको अंदर से दिखाते हैं हमारी इको 5 सीटर। आओ रुपेश भाई, दिखाओ अंदर से। ये गणपति बप्पा की मूर्ति ला के दिया भाई। सबसे अच्छा काम पहले तो ये हुआ हमारा कि गणपति बप्पा की मूर्ति। अंदर से ये वाला खोलो। हाँ, ये खुल गया। ये रहा भाई, आराम सो भी सकते हैं, यहाँ पे सो भी सकते हैं, पीछे भी काफी जगह है। ये रुपेश भाई बताओ कैसा लग रहा है अपनी खुद की, आज तक किसी की कार में बैठे नहीं, अपन खुद की गाड़ी में बैठ रहे हैं। ये भले ही बेन है तो क्या हुआ, बहुत तो खुद की बहुत शानदार अनुभूति हो रही है यहाँ पर। हमारे रोहित भाई की मुस्कुराहट को देखी नहीं जा रही है। अब देखते हैं कि क्या माहौल होता है, गाड़ी पूरी सजने के बाद में ले जाते हैं मंदिर। और फ्रेंड्स बाकी जो है, कितने की पड़ी गाड़ी, कैसी क्या है, और इस ये मैंने क्यों लिए, किस पर्पस से लिए, वो भी मैं अभी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एंड में बताऊंगा, है ना रुपेश भाई? हाँ, अभी कुछ किस नहीं, पर्पस अभी तो से बस ली है, क्यों ली है भाई, क्योंकि इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी ले ली यार, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अपने साथ अंबानी है, 40 बीघा जमीन है इसके पापा के पास, 40 नहीं 75, जिसमें से बीघा का है, जिसमें से एक बेच दी, जिसमें से अब बची हुई है 74 बीघा। 74 बीघा बची, एक बीघा बेच के हमने गाड़ी ले ली। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी यहाँ पे वॉश हो रही है, और वॉश होने के बाद में फिर इसकी माला विला से पूजा विजा होगी, और बकायदा सिंगारेंगे इसे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भैया है, और ये हम यहाँ पे गाड़ी वॉश कर रहे हैं। ये देखिए हमारी गाड़ी, हमारी नई धन्नो। सो फाइनली गाइस, हमारे फ्रेंड्स लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और गाड़ी अभी और फ्रेंड्स अंदर भी हैं। हाँ, और बाकी के फ्रेंड्स अंदर भी है, तो चलो बहुत सी पब्लिक है यहाँ पर। हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर जा कर के कि क्या लाइन हो रही है अंदर और क्या नहीं। और ये हमारी एक नई फ्रेंड यहाँ पर, हर्षिता, हाई करो। ये हमारा शोरूम है, और हमारी गाड़ी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। यहाँ पे अब कुछ ही, ये नहीं है, ये किसी और की है। अच्छा, अपनी गाड़ी कहाँ पे है? अपनी आने वाली है अभी। ओके ओके फाइन, भाई हमारे फ्रेंड से मिलाते हैं। तो बताइए शिव भाई, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? कार है क्या? हाँ रोहित भाई बताओ, आपको आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? भाई दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बस दोस्त लोग के साथ, फैमिली तो है नहीं है। अच्छा, फैमिली है बट आई नहीं है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मित्र मंडली? लग रहा है, हमें बहुत खुशी है, हम तहे दिल से खुशी जाहिर करते हैं रोहित के लिए। ओके ओके, आपको कैसा लग रहा है हर्षिता जी? अच्छा लग रहा है, छोटी सी फैमिली है। ओके फाइनली, ये देखिए फाइनली यहाँ पे हमारी छोटी सी फैमिली के साथ में एक छोटी सी कार उठ रही है यहाँ पर, और हमारे सभी मित्र मंडली आए हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप सभी। गाड़ी यहाँ पर ये देखिए आ चुकी है, और ये सजने के लिए अब तैयार है। कुछ ही समय की और देरी, उसके बाद में हमारी गाड़ी चालू हो जाएगी, धन्नो, फिर घूमेंगे हम हमारे दोस्तों के साथ में, मजे 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 मजे। भैया दोस्तों को भरोसा नहीं है, बोल रहे रोहित गाड़ी चलाएगा तो हम नहीं बैठेंगे। और मैं भी, मेरे पे भी भरोसा नहीं भैया। तो भैया सब लोग अपना इंश्योरेंस करा लियो आज से, उसके बाद लाइफ टाइम फ्री, उसके बाद में ही मेरे साथ में बैठना, नहीं तो पता चले इंश्योरेंस भी नहीं और पैसा भी नहीं मिला पीछे। ओके ये रुक जाए, शिवांशी तू, हाँ ठीक है, फोड़ियो ऊपर, एक मिनट एक मिनट, वन इस आते करना हर्षिता, ये लो, हाँ ठीक है, स्टार्ट ऐसे घुमाना, राइट साइड, और क्या भी राइट साइड ही है ना, अभी कटेगा इसका,
रुपए इधर हो। 1 2 3 केक काटो ताली बजाओ। तुझे खिला दूंगा। थैंक यू। वैसे वैसे पूरा ही खा ले, ठीक है। लो भैया खाओ इसको, काटो केक को। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए ये हमारे फ्रेंड सर्कल। बहुत ही खुशी का दिन है आज हम लोगों के लिए। बहुत सभी लोग बहुत शिवांशी कैसा लग रहा है पूजा करते हुए? चलो बढ़िया है, फीलिंग अच्छी आ रही है। हिंदी में बोला कर। आज का दिन बहुत ही यादगार है हमारे लिए, बिकॉज हमारे एक नए जय श्री राम, जय 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 जय श्री राम। ये हमारी गाड़ी है, ये पूजा, इसके बाद में निकलेंगे हम लॉन्ग टूर पे। पाइप यार, पाइप नहीं लाना तुम लोगों ने? हाँ ना यार, अरे वो एंटीना लगा दे क्या, अभी के लिए टूट जाएगा। नहीं ये बहुत बड़ा है, छोटा ठंडा नहीं है क्या? छोटा नहीं, छोटा नहीं है। चल ठीक है, जो भी। हाँ ये अंदर की पूजा हो रही है हम लोगों की। चल इधर रख ले। ये हमारी नई पंडित है, कहाँ इसकी पॉलिटी, जो कि पूजा कर रही है गणेश जी की। गाड़ी में तो यार एक चीज़ सही हुई कि गणेश जी की मूर्ति दे दी हम लोगों को, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एक, एक ये अभी सामने लगेगा ना। नहीं अभी नहीं लगा रहा, डंडा नहीं है। तिलक समारोह हो रहा है यहाँ पर, ऑनर को तिलक लगाया जा रहा है। यहाँ हमारी पंडिताइन जो है कि टीका लगा रही है। ये पंडिताइन बड़ी महंगी है। हाँ भैया डिलिंग बड़ी दूर से आई है और डिलिंग भी बहुत महंगी है इनकी। ये अंग्रेजी पंडिताइन है। हाँ ये हमारी अंग्रेजी पंडिताइन है और ये हमारे छोटे भाई, ऑनर के छोटे भैया, जो कि बहुत खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पे आज। बस हमारे जो ऑनर है वही थोड़े से नर्वस फील कर रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाकी उठा भी लूंगा मुझे, मैं हाँ मैं उठा भी लूंगा वापस। नहीं ये रख तो रहा हूँ। अरे अब लगा मैं, अरे तो भैया पहले टीका तो लगाओ मुझे। लो टीका लगाओ, टीका लगाओ, टीका लगाओ, टीका लगाओ ना, टीका लगाओ। हमारी गाड़ी अब निकल पड़ी है यहाँ पे। हमारे फ्रेंड्स विदाई लगा रहे हैं। आ जाओ फ्रेंड्स लोग, आ जाओ सभी। अरे ठीक है, टेस्ट ड्राइव हो रही है हमारी यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी की चेकिंग चल रही है भैया, कुछ सामान छूटा तो नहीं है। ये अंदर का बॉर्डर, ये पूरी गाड़ी चेक हो गई है हमारी यहाँ पे। हमारे फाइनेंसर सर भी खड़े हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये हमारी गाड़ी की चेकिंग पूरी तरीके से हो चुकी है यहाँ पे। अब कुछ ही पलों में यहाँ पे निकलने की देरी है। ये हमारे ऑनर सर बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो बताइए रोहित जी कैसा लग रहा है आपको गाड़ी, नई गाड़ी में बैठ के? रोहित जी कैसा लग रहा है आपको बैठ के? बस मेरा काम हो गया, अब इसको हटा सकते हैं।
हमारे फ्रेंड्स आज बहुत खुश है, देख सकते हैं यहाँ पे हर्षिता जी को खा रहे हैं हम, ये केक चाट रहे हैं। हाँ, ये केक चाट रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ स्ट्रॉबेरी खा ले, ये पाइनएप्पल चुरा चुरा खा रही है। यार हमें दो ना, यार हमें भी दो यार, काहे नहीं खाए, तुम्हारे बदले का मैं खा ली ना, ओके खाओ मेरे बदले का दो ही नहीं। भैया कांच ऊपर करके देख लो, टिक्की खोल के देख लो। ये हमारे रोहित जी कैसा लग रहा है आपको भाई? आज जिंदगी में पहली बार अच्छा लग रहा है मेरे को। ओके सो अब वीडियो हम बंद कर रहे हैं यहीं पे, हमारे फ्रेंड्स लोग को देख सकते हैं। ये आके खा लो इसको खाना। ये हमारे नई गाड़ी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने खाना है, इसको जिसको खाना है आ जाओ। अभी हमारी गाड़ी उठ चुकी है और अब यहाँ पर सीधे जाएंगे हम मंदिर, तो थोड़ा हमारे ओनर जी से पूछते हैं कि आज कैसा फील हो रहा है उन्हें। भैया बहुत अच्छा लग रहा है, और अपने जो भैया हैं जिनसे अपनी डील हुई है ये भी काफ़ी अच्छे हैं, राम भैया हैं। आप अगर आते हो जेके रोड पे तो भैया से डील करो, भैया अपने काफ़ी अच्छे हैं, आपको अच्छा डिस्काउंट भी दे देंगे और प्राइस भी सब करवा देंगे। भैया राम भैया, राम भैया सकल देख लो अच्छे से, काफ़ी अच्छे भैया ये। और ये हमारा है शोरूम जो कि जेके रोड पे है, मारुति सुजुकी नाम है शोरूम का, अरेना जेके रोड। तो ठीक है भैया, चलते हैं फिर मिलते हैं। ठीक है कुछ भी लगे आप राम भाई को याद करें। ठीक है। सो फाइनली गाइस अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, और लास्ट पूजा हमारी होगी मंदिर में जो कि कंकाली मंदिर में होगी पूजा चल रही है। ये देखिए यहाँ पे नारियल रख दिया है यहाँ पे, ये देखिए। और ये हमारे ड्राइवर साहब जो कि गाड़ी अब स्टार्ट कर रहे हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं नारियल फूटना चाहिए भाई, ठीक है? नहीं बराबर ही है। हाँ बढ़ाओ 1 2 3 नारियल पे फोकस करो कैमरा में। नारियल काफी मजबूत रहा। अरे बैलेंस सही नहीं रखा तुमने, बैक करो। और हमारे फ्रेंड्स लोगों की खुशी अलग नहीं झलक जा रही है। हाँ अब यहाँ से चलते श्री राम बोलेगा। ये देखो यहाँ पे खुशी का माहौल देख सकते हैं आप, यहाँ पर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि हम जाहिर नहीं कर पा रहे हैं अपने भारत माता की। हमारे अंकित भाई को कैसा लग रहा है, एक बार उनसे भी पूछ लिया जाए। चलो दोस्तों सभी को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मैं तो अभी आ ही रहा हूँ, उनको 10 लोगों को छोड़ करके आता हूँ उनके घर पे। ठीक है, तो ये रूपेश अपना डिलीवर बॉय है, गर्ल्स को डिलीवर करेगा, देन हम लोग निकलते हैं। बाय बाय रूपेश भाई। ओ भैया कैसा लग रहा है, अंकित भाई कैसा लग रहा है? तो ये अपना भाई है, ऐसा नहीं बढ़ेगा भाई, ये पहली बारी चला रहा है, अभी तक चला ही नहीं इसने, छोटा भाई है मेरा। आराम से ठुक जाएगी वो, चली जाएगी, अभी रहने दे अंकित, बाद में चला लियो। कट गए पूरी, कट गए। ये भाई ने पहली बारी ड्राइविंग कर ली है, क्लच मत दबाना है ना, क्लच मत दबाना। क्या बात है, भाई ने पहली बारी चला ली है, देख रहे हो? हाँ तो चलो चला ले बस भैया, अंकित रुक जा यहीं पे, अब हमारे ड्राइवर साहब को गाड़ी दो, देन ड्राइवर गाड़ी चलाएंगे। जिंदगी में पहली बार गाड़ी चलाई, अच्छा लग रहा है। तो भाई हमारी खुद की गाड़ी है, जिंदगी में पहली बार गाड़ी ली है, आई थिंक मेरे खानदान में ही पहली बार किसी ने ली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देन बस अभी निकलते इधर से मंदिर जाना, सबसे पहले मंदिर चल के पूजा मूजा करते हैं और फिर बताते हैं आगे कैसा क्या है, कितने की ली है मैंने, कैसा क्या बिल है। तो चल चले, चलो 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 बैठते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, हमको 5 लीटर पेट्रोल कंपनी के साइड से फ्री मिलता है, तो वो भैया फ्री में डाल रहे हैं अभी। क्यों सिवा भाई, फ्री मिलता है ना कंपनी साइड से? फ्री मिलता है तो 5 लीटर पेट्रोल डल के रहता है, 1 लीटर डल के आता है, 4 लीटर पेट्रोल पंप, 4 लीटर पेट्रोल पंप से मिलेगा, 1 लीटर डल के आता है भैया। सो फाइनली फ्रेंड्स पेट्रोल हमने डलवा लिया है, देन अभी हम निकल चुके हैं आज खुद की गाड़ी पर बैठ के घूमने के लिए। चलो शिवा भाई अब से हम जोमेटो डिलीवरी करेंगे बंद, अब इस गाड़ी से जोमेटो डिलीवरी करेंगे भाई। ए हे हे, ये लगा दी 1000 बम की लड़ी, 1000 की है ना शिवा भाई? चलो हट जाओ। ओ भाई फट गई, हो गया धमाका। ये अपने शिव भाई की दुकान है और उनके पास दो दो गाड़ियां हैं। क्यों शिव भाई, सेम टू सेम है ना?
यही एक ये रही, एक स्कूल में खड़ी है। सो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम लोग अपने घर आ गए हैं, अपनी धन्नो ये खड़ी है। रुपेश भाई फ्लैश जला जरा धन्नो पे, ये है अपनी धन्नो, काफी अच्छी लग रही है। देन बस आराम करते हैं आज का, चलो रुपेश भाई इधर चलते हैं, बहुत सर्दी लग रही है, गाड़ी ऐसी खड़ी रहेगी इधर पे। कल बस चलाएंगे बढ़िया मस्त, अभी चलाना सीखने के, चलाना नहीं आती अभी। सब लोग जो मेरे साथ बैठे भाई इंश्योरेंस करा लियो। तो फाइनली फ्रेंड्स आज की दिवाली काफी अच्छी रही भाई, हम लोग 1:30 बजे के निकले थे, 8:30 बज गए, तो भाई काफी मजा आ गया। रुपेश भाई, हाँ भाई, आर यू किडिंग? यस ब्रो। रुपेश ने भी बहुत भाई मस्ती की और अभी भी मस्ती कर रहा है भाई। तो दोस्तों ये अभी जो है हमने कुछ नया बिजनेस पर्पज से मैंने ये लिया है, तो देन मैं देखता हूँ ये किस बिजनेस में यूज होती है मेरी, आपको मैं दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में। बाकी अगर आप लोग पूछो मेरे से बजट ये कितने की है, तो भाई ये है मेरी 5,82,000 रुपए की, 82,000 कैश में अगर आप लोग इतना, तो बाकी ईएमआई वगैरह में लाके तो भाई 1.5-1.5 लाख रुपए आपका ऊपर लग जाएगा, तो आप लोग सोच सकते हो कितने की है। और इसकी ईएमआई जो बनी है वो 11,500 के आसपास कुछ बनी है ईएमआई, तो ऐसा कुछ है इसका सीन गाइस। बाकी अदरवाइज आप लोग कमेंट में जरूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, देन ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोगों को जानना है कि हम लोग इस गाड़ी से क्या बिजनेस करने वाले हैं, तो भाई नोटिफिकेशन चालू कर लियो, क्योंकि जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा जिसमें हम बताएंगे कि भाई ये हमने क्यों ली है, किस पर्पज से ली है, देन इससे हम कैसे कमाई कर सकते हैं।